शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। आप सभी देख रहे हो अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। मेरा नाम राजकुमार है। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह कहानी हमारे गांव की एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही भयानक दिल दहला देने वाली कहानी है। हमारे गांव के लोगों के अंदर बचपन से ही भूत प्रेत जिन्नात आदि की चीजों के बारे में बहुत ही विश्वास करने वाला गांव था। लेकिन मुझे इन पर कुछ खास विश्वास नहीं था। लेकिन यह घटना हमारे ही गांव के एक अर्शदीप नाम के लड़के के साथ घटी थी जो कि एक बहुत ही गरीब इंसान हुआ करता था। और फिर एक दिन लोगों को पता चला कि अर्शदीप के पापा की मौत हो गई। दरअसल उसके पापा पत्थर का काम कर रहे थे और वह अचानक खाई में गिर गए जिस वजह से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अर्शदीप के परिवार पर मुसीबतों का एक बहुत ही बड़ा पहाड़ सा टूट चुका था। अर्शदीप का परिवार पहले से ही काफी गरीबी में जी रहा था और अब उसके पापा की मौत होने की वजह अर्शदीप पूरी तरीके से टूट चुका था। अर्शदीप पर उसके घर का पूरा भार टिक चुका था। उसे पता था कि अब उसे ही पूरा घर संभालना होगा। लेकिन अर्शदीप की मुसीबतें भी कम नहीं थी जो कि गरीब परिवार के अंदर से होने की वजह से पहले तो उसे कोई भी काम देगा या नहीं ये सोचने वाली बात थी। लेकिन अर्शदीप इतनी जल्दी हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत ही कुछ दिनों बाद काम को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी उसे कोई काम ना मिला। वह उदास हताश होकर जंगल की तरफ चल पड़ा और फिर वह एक पत्थर पर जाकर बैठ गया। लेकिन तभी उसने देखा कि सामने उसे एक झोपड़ी नजर आ रही थी। वह चुपचाप उसी झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। जब वो झोपड़ी के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि उस झोपड़ी के अंदर एक तांत्रिक बाबा बैठा हुआ था। वह उस तांत्रिक के पास गया और फिर बोला, बाबा क्या आप मेरी एक समस्या का समाधान बता सकते हैं? तो उस तांत्रिक ने कहा, मेरे पास हर समस्या का समाधान है पुत्र, बोलो तुम्हारी क्या समस्या है। पहले तो अर्शदीप ने अपनी जिंदगी के कुछ रुलाने वाले किस्सों के बारे में उस तांत्रिक को बताया जिससे वह तांत्रिक बिल्कुल अनजान था। और उसके बाद अर्शदीप ने गरीबी दूर करने की समस्या भी पूछ ली तो वह तांत्रिक बोल पड़ा, तुम्हारी गरीबी की समस्या मैं बेहद आसानी से दूर करने की क्षमता रखता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद 7 दिनों की कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। अर्शदीप बिना कुछ सोचे समझे उस तांत्रिक की बातों में हाँ करने लगा। और उसके बाद उस तांत्रिक ने अर्शदीप को एक ऐसे रास्ते पर चला दिया कि उस रास्ते पर पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो केवल सुख शांति और अपने आने वाले भविष्य को सतरंग बनाने की। उस तांत्रिक ने बताया कि तुम्हें सिर्फ पानी के अलावा कोई भी चीज खानी या फिर पीनी नहीं है। और अर्शदीप उनकी इन बातों को बिल्कुल अच्छे से मानने लगा। और उसके बाद उस तांत्रिक ने बताया कि अर्शदीप को यक्षिणी की तपस्या करनी होगी और वह उसे प्रश्न करने के बाद जो चाहे वो करवा सकता है। अर्शदीप एकदम खुश हो गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि जिस यक्षिणी की अब वह तपस्या करने वाला है वह इतनी खतरनाक साबित हो सकती है। और फिर अर्शदीप उस तांत्रिक बाबा की सारी राय लेकर अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद वह जंगल की तरफ चल पड़ा अपने घर वालों को यह बताकर कि वह कुछ दिनों के लिए कमाई करने के लिए बाहर जा रहा है। और उसके बाद 18 नारियल लेकर वह जंगल में पहुंचा। जंगल में पहुंचने के बाद उसने अपनी उस कठोर तपस्या को शुरू कर दिया। 4 दिन बीतने के बाद उसने देखा कि उसका पूरा शरीर एक सूखे कांटे की तरह बन चुका था। यानी कि सिर्फ 4 दिनों के अंदर उसकी यह बुरी दशा हो चुकी थी। लेकिन अर्शदीप अभी भी उस भयानक और कठोर तपस्या में लगा हुआ था। और फिर वह 7वां दिन भी आया जिस दिन अर्शदीप को उसकी बुरी मेहनत का बुरा फल मिलने वाला था। सुबह के लगभग 11 बजे हुए थे। अर्शदीप एक ऐसी जगह पर था जहां दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था।
और तभी अर्शदीप को मधुर वाणी सुनाई देने लगी, अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। और फिर अर्शदीप ने अपनी धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा कि सामने की तरफ उसे एक सुंदर औरत खड़ी हुई नजर आई। उसके सामने खड़ी औरत इतनी खूबसूरत थी कि अर्शदीप उसे एक टक घूरने लगा। और उसके बाद वह सामने खड़ी औरत एकदम से अर्शदीप से बोल पड़ी, मैं यक्षिणी, तुमने अपनी साधना से मुझे काफी ज्यादा खुश कर लिया है। अब मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम जो कहोगे वही करूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी शर्तों का पालन करना पड़ेगा। और उसके बाद उस यक्षिणी ने अपनी सभी शर्तों को अर्शदीप के बिल्कुल सामने रखा। उसकी शर्तें कुछ इस प्रकार से थी। पहली, यक्षिणी उसकी पत्नी की तरह उसके साथ रहेगी हमेशा। दूसरी, अर्शदीप यक्षिणी के अलावा किसी भी और औरत को ना ही छुएगा और ना ही उसके करीब जाएगा। और उसकी सारी शर्तें अर्शदीप ने बिल्कुल हंसते हंसते बिना कुछ सोचे समझे ही मंजूर कर ली। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसकी शर्तें उसे एक दिन बहुत ही बुरी तरीके से फंसा देने वाली हैं। और फिर अर्शदीप यक्षिणी को लेकर अपने घर पहुंच गया। यक्षिणी ने अर्शदीप से पूछा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? अर्शदीप बोला कि उसे इस शहर का सबसे ज्यादा पैसों वाला आदमी बनना है। और फिर देखते ही देखते अर्शदीप रातों रात उस शहर का सबसे ज्यादा पैसों वाला इंसान बन चुका था। अर्शदीप को इस तरह अमीर बनता हुआ देखना, यह बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। कल तक एक गरीब होने वाला लड़का आज उस शहर का सबसे पैसे वाला इंसान बन चुका था। अर्शदीप किसी को भी यक्षिणी के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता था, क्योंकि वह भी उसकी एक शर्त थी कि वह किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएगा। अर्शदीप ने अपने सभी लोगों को बस एक ही बात बोल रखी थी कि उसकी लॉटरी लग चुकी है। लेकिन आज इतनी सी रात में इतनी बड़ी लॉटरी लगना कोई छोटी बात नहीं थी। तो सभी लोगों को अर्शदीप के ऊपर कुछ गलत ही विश्वास होने लगा। सभी लोगों को यह लगने लगा कि अर्शदीप कोई दो नंबर का धंधा करता है, लेकिन सच के साथ कोई भी रूबरू होने में असमर्थ नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी सच्चाई किसी के भी सामने आना बहुत ही मुश्किल थी। तो ऐसे भी उसका पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे अर्शदीप और भी ज्यादा अमीर बनने लगा। यक्षिणी उसके साथ एक ही बिस्तर पर सोती और उसके साथ रहती थी। लेकिन अर्शदीप को अब भी यक्षिणी के इस अवतार के बारे में पता नहीं था, जो कि वह हर 24 घंटे में एक बार धारण करती थी। और फिर एक दिन अर्शदीप को एक बड़े आदमी के घर उसकी बेटी के जन्मदिन के पार्टी में जाना था। अर्शदीप सज धज कर तैयार हुआ और उसके बाद अर्शदीप निकल पड़ा उस पार्टी के लिए। वह पार्टी इसलिए भी स्पेशल थी क्योंकि अर्शदीप को खास न्योता मिला था। अर्शदीप उस पार्टी में शामिल हुआ तो उसने वहाँ के लाजवाब और सुंदर नज़ारे को देखा। और तभी अर्शदीप की निगाहें पड़ी वहाँ की खूबसूरत रानी पर, यानी कि दिव्या पर, जो कि सुंदर कपड़ों में अर्शदीप को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। दिव्या वही जो कि उस बड़े आदमी यानी कि डेक्स की बेटी थी। और तभी डेक्स भी वहाँ पहुँचा। उसने कुछ देर अर्शदीप से बातचीत की और फिर वो वहाँ से कहीं और चला गया। अर्शदीप की निगाहें उस लड़की पर टिकी हुई थी जिसका आज बर्थडे था। अर्शदीप धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा और वह एक ऐसा वक्त था जहाँ पर यक्षिणी भगवान शिव की पूजा में लीन होती है। वह अर्शदीप को कुछ ही पलों के लिए अकेला छोड़ती है और यही मौका देखते हुए अर्शदीप और दिव्या एक दूसरे के करीब जाने लगे। और उसके फौरन बाद वह एक दूसरे के ज़्यादा करीब नहीं आ पाए। लेकिन फिर जब पार्टी ख़त्म होने वाली थी और उसी वक्त किस्मत से अर्शदीप और दिव्या अचानक से छत के ऊपर मिल गए और वहीं पर उन दोनों ने शारीरिक संबंध बनाया। और यह काम होता देख यक्षिणी ने अपनी आंखों से देख लिया, जिस वजह से यक्षिणी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ चुका था। उसके बाद जब अर्शदीप और दिव्या वापस नीचे आए तब अर्शदीप की नज़र उस यक्षिणी पर पड़ी जिसका रंग रूप बहुत ही गुस्से में नजर आ रहा था। और उसके बाद अर्शदीप घर लौट आया। लेकिन घर लौटने के बाद अचानक ही उसके घर से बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी और उस वक्त यक्षिणी की हवस बहुत ही भयानक रूप में जाग उठी थी। और अब उसका बहुत बड़ा शिकार अर्शदीप बन चुका था, जो कि उसे नहीं बनाना चाहिए था। अर्शदीप की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें उसके घर के बाहर आसानी से सुनाई दे रही थी, लेकिन चारों तरफ कोई भी मदद करने वाला मौजूद नहीं था। अर्शदीप की दर्द भरी चीखों से हमारा पूरा गांव गूंज उठा।
लेकिन सबको यह भी विश्वास था कि अर्शदीप के साथ यह सब कोई ना कोई बुरी ताकत ही कर रही है, इसलिए पूरे गांव में कोई भी उसके घर पर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और लगभग आधे घंटे बाद वह आवाज आना एकदम से बंद हो गई, मानो पूरे गांव में एक सन्नाटे की लहर सी दौड़ गई। चारों ओर खामोशी नजर आने लगी और फिर उस घर के अंदर एक सन्नाटा सा छा गया। और फिर वहीं का एक लड़का राजू उसके घर के अंदर दाखिल हुआ, जो कि राजू अर्शदीप का काफी अच्छा दोस्त था। राजू अर्शदीप के घर पहुंचा तो उसने देखा कि अर्शदीप बेहोश होकर नीचे गिरा हुआ था, लेकिन अब उसका लिंग बहुत ही बुरी तरीके से फट चुका था। और उसके बाद राजू ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर अर्शदीप का इलाज करने में सक्षम नहीं थे। वह लिंग को वापस ठीक नहीं कर सके, लेकिन शरीर में इन्फेक्शन फैलने की वजह से अर्शदीप की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। और उसके बाद वही हुआ जिसका सभी को डर था, अब अर्शदीप की मौत हो चुकी थी। अर्शदीप की मौत के पीछे सबसे बड़ा कारण था वह यक्षिणी, जिसने अपने हवस के माध्यम से अर्शदीप को अपना शिकार बनाया। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान कभी एक चीज से खुश नहीं रहता, शायद उस दिन अर्शदीप ने दिव्या के साथ वह संबंध नहीं बनाया होता तो शायद आज वह एक अच्छा जीवन जी रहा होता। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। यह घटना आज भी हमारे गांव के अंदर बहुत ही भयानक रूप में फैली हुई है। कहते हैं कि आज भी अर्शदीप के उस घर से भयानक चिल्लाने की आवाज आती है, और साथ ही यह भी कहते हैं कि आज भी वही यक्षिणी रात में अर्शदीप के साथ संभोग करती है। और अब उस घर के आसपास से बहुत सारे घर एकदम सुनसान हो चुके हैं, यानी कि वहाँ से लोग अपने अपने घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है वो भी कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही कमेंट में जय महाकाल और हर हर महादेव कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।